नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि बिहार में बहुत ही प्रचलित मुद्दा है और हर कोई आज बात करने को तैयार है। यह बात है भोजपुरी में अश्लीलता के विरोध, यानी भोजपुरी में अश्लील गाने के विरोध में हर कोई बात करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ, मैं इसकी दास्तां, मैं इसकी कहानी मैं बताता हूं। विगत कई सालों से प्रयास किए जा रहे थे भोजपुरी सभा, भोजपुरी महासभा और कई संगठनों के द्वारा कि भोजपुरी में अश्लीलता बंद हो। मुख्यमंत्री को लेटर लिखा जा रहा था लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन समर और गौतम जो कि मगध के गया के रहने वाले हैं, इन्होंने क्या तान बिखेरी जिसके वजह से आज ऐसा लग रहा है कि भोजपुरी के स्टार कलाकार सामने आकर बोल रहे हैं कि मैं भोजपुरी में अश्लील गाने को नहीं गाऊंगा। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मगध के ही गायक कलाकार श्याम सवरिया जी होंगे। उनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी के लोग जो फ्रंट कलाकार है जैसे रितेश पांडे सरीखे के कलाकार, राकेश मिश्रा जैसे कलाकार आकर कह रहे हैं कि आप भोजपुरी में हम अश्लील गाने को नहीं गाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं, भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार हैं श्याम सवरिया। श्याम सवरिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल द खबरी बाबू पर। अभी फिलहाल क्या हुआ कि जो भोजपुरी में लोग अब सिंगर आकर कह रहे हैं कि हम भोजपुरी में अश्लील गाने को नहीं गाएंगे, ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से जितने भी लोग हैं, दर्शक हैं, सभी को मेरा नतमस्तक प्रणाम है। और जो मुहिम छेड़ा गया है, जो हमारे मगध के लाल समर बाबू और गौतम बाबू ने जो छेड़ा है, और आपका जो सवाल है कि जो क्या हुआ है कि सिंगर लोग अब यह कह रहे हैं कि भोजपुरी अश्लीलता हम नहीं गाएंगे, माहौल ऐसा बन गया था चंदन जी कि अगर रोड पर हम आप निकलते या घर में भी कहीं रहते तो जो भी आजकल के माहौल का जो सॉन्ग है, गाना है भोजपुरी में, हम अपने फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते जी। इतनी गंदगी फैल चुकी थी। सो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे समर बाबू और गौतम बाबू को, जो कि इतने अच्छे अभियान को वो चला रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही नेक काम हो रही है। एक सवाल है आपसे, समर और गौतम इस अभियान को चला रहे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक शिकायत आती है कि वो जब बोलते हैं तो कटाक्ष के तौर पर गाली गलौज भी करते हैं कलाकारों को, इससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं, या सही है या गलत है? जी नहीं, अगर आप देखने का हर किसी का अलग अलग नजरिया है, जितना गंदगी उनके गाने में है, आप अगर कोई भी गाना उठा करके देख लीजिए, खेसारी जी का हो, पवन सिंह का हो, प्रमोद प्रेमी का हो, रितेश पांडे का हो, गुंजन सिंह का हो, कोई भी गाना हो, जितना गंदगी उसके गाने में लौटता है, उन सबके गाने में लौटता है, इनके शब्द बहुत कम हैं। अगर मान लिया बातचीत के दरमियान अगर अरे तरे गाने का मौका मिल जाता तो ये हम लोग को मगही भाषा, मगही भाषा है जी, मगही भाषा है। मगही में कुछ बात कर लेते हैं जी। जो समर और गौतम करे थे, ये अच्छा है या खराब है? एकदम बहुत बढ़िया है भैया, एकरा लगे हमने जान एकदम दे देबे। आई मगही में ना बल्कि पूरे भारत में इनका फॉलोवर बढ़ा लेतीन और साथ साथ इनका सपोर्ट करे थे कि नहीं समर और गौतम सही कर रहा है, तो इसका सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिलने वाला? इवन भोजपुरी समाज के भी लोग समर और गौतम के सपोर्ट करे थे, कहाँ तक अच्छा लगे थे? जैसा कि हमने सब मगहिया जवान से जुड़ल ही, उनका चैनल के देखे ही, सपोर्ट करे ही, उनका एक अभियान और है, एक मिशन और है कि अश्लीलता सिर्फ बिहार से और मगध से ना, जे हमने के छोटा छोटा लेकिन आज जे हनी सिंह त सनी लियोनी जी जी, त कैटरीना कैफ, त फलना, त ढेकना जे चिन्हा हथी, हमने अब उम्र होलो है तब चिन्ह कि कैटरीना कैफ ही हथो। लेकिन 5 साल के बच्चा के अपने घर में शहर में पूछिए कि कौन है, सब बता देगा। एक सवाल है, भोजपुरी में आप अभी तक एक आप गंदा गाना गाए कि नहीं, एक अपना ईमान से बात बोलिए। जी जी हुआ है, हमसे भी गलती हुई थी। आपको 2019 में कृष्णा बेदर्दी जी बहुत ही महान राइटर हैं। अच्छा अच्छा भोजपुरी। हाँ हाँ, अब पैसा भी खूब लिए थे हम लोग से। अच्छा। कि एकदम स्टारे बना देंगे, तो कोई भी चाहता है भाई कितने आगे बढ़ने के लिए। अच्छा। अब शुरू शुरू एल्बम कर रहे हैं भाई और इतना बड़ा राइटर है। तो उस गाने को अभी तक आपने चैनल पर उतरवाया है कि नहीं? बात तो चीत तो हम लोग कर लिए भाई कि जो मुहिम छेड़ा हुआ है। हाँ। इसके चलते मेरा गाना हटवा दीजिए आप अपने चैनल से, बता दीजिए। बस उस गाना में यही एक ही वर्ड गंदा था, सामान तो हर माह का था। हमने रिक्वेस्ट किया है कि मेरा गाना हटा दीजिए, बाकी मेरा कोई भी गाना गंदा नहीं है। एक बात मैं बता दूं कि जो भोजपुरी की अश्लीलता यहाँ तक बढ़ गई थी कि मतलब हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे बोलने में वो लगता है, लेकिन कोशिश करते हैं बोलने के लिए, हर गाने में अश्लीलता मतलब ये कह सकते हैं कि अंग वस्त्र तक लोग बोलते थे। यहाँ तक समर और गौतम ने उस चीज को ऑपरेशन किया,
ये अश्लीलता कैसे हुआ? शुरुआती गुंजन सिंह से हुआ था। गुंजन सिंह ने जितने भी अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि गुंजन सिंह खराब कलाकार है, नो डाउट बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने मगही गाने में गाया, लेकिन मगही गाने को मगध के लेकर रिलेटेड गाना गाते हैं तो और भी अच्छा होता। मेरे कहने का मतलब यह है, और सबका मानना है कि गुंजन सिंह अच्छे कलाकार है, और इनका बोलने का मतलब है कि समर और गौतम इसलिए बोलते हैं उनके नाम को लेकर कि अगर सीधा सीधी बोलेंगे, सीधा सीधी तो बहुत दिनों से बोला जा रहा था कि आप अश्लीलता मत गाना गाइए, आप अश्लीलता मत गाना गाइए, लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। जब अपने पर आती है तो गायक कलाकार समझते हैं कि नहीं आप पे गंदा कर रहे हैं मेरे साथ में, तो वो समझदारी उनमें होती है। मैं बता दूं कि गौतम और समर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि अगर आप गाना गाते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ बहन को सेंसर बनाएं। सचमुच है, चूंकि आप अगर आपकी माँ बहन भाई लोग गाना नहीं सुन पाते हैं तो फिर आपके दर्शक कैसे सुनेंगे? सबसे पहले घर से शुरुआत होती है, उनका मानना है ऐसा। इस चीज मुहिम को लेकर हमेशा मैंने भी उनका कई वीडियो देखा, एनालिसिस किया, तब उनकी बात और जनता की बात और आप तक यहां मैं पहुंचाया। कुछ लोग का मानना है कि समर और गौतम गाली देते हैं, तो गाली देने का मतलब वो नहीं, गाली पर्सनली तौर पर आपसे ये बोला जाता है कि आप अगर आपको खराब लग रहा है तो आपके गाने से भी कई लोगों को खराब लग रहा है, जिसके वजह से आप अपने गायकी में सुधार लाएं। मैं ये बोलता हूं कि आपके गाने को समर और गौतम के पेज यानी मगहिया जवान पर मौका, फर्स्ट मौका दिया गया, कैसा दर्शकों का उसमें मतलब व्यू कैसा मिला? बहुत अच्छा व्यू मिला। अच्छा, मगहिया जवान के जो चैनल से मेरा एक सॉन्ग, बस एक उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म थी कि गायकी क्या होती है और लोगों का प्यार क्या होता है मगर में। मेरे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं खुद का हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। बस मैंने ही राइट किया था, मैंने उस सॉन्ग को लिखा है और मैंने ही उसको गा करके लोगों को बताया है कि एक लाइन है कि कागज के इंसानों पर अब शेर की जैसा गा के सुनाइए ना, एक मुखड़ा जैसा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे भी दर्शक है, मगही के भी दर्शक है, पूरे बिहार के भी। बस यही गाना वायरल हो रही है। अच्छा अच्छा, अब आप ही का चैनल है, आप ही को बारे में कुछ बोल दे। सही बात है, मैंने एक लाइन कही है कि कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं। अब किसको क्या कहना है कहने दीजिए। अच्छा, एक सवाल है, बहुत अच्छा ये लाइन था, एक सवाल है, गुंजन सिंह जी का कहना है कि गाने में हम रस देते हैं, तो बात सही है, अगर रस नहीं रहेगा तो लोग एंजॉय कैसे करेंगे? चूंकि युवा लोग हैं बिहार, मगध के युवा लोग हैं, अगर शादी के मौके पर उनको डांस करने का मौका मिलेगा तो क्या मतलब है, ये सैड सॉन्ग पर डांस करेंगे? किस तरह के सॉन्ग बनेगा भोजपुरी में, तब वो डांस करेंगे, मौज मस्ती करेंगे? आप थोड़ा सा पिछले सदी में चलिए। अच्छा अच्छा, कलयुग तो है ही, महाकलयुग है। ठीक ठीक ठीक, क्या द्वापर त्रेता सतयुग में शादियां नहीं होती थी, लोग डांस नहीं करते थे? जरूर जरूर, तो उस समय कौन सा नृत्य बजता था भाई? लेकिन अभी का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल बनाया कौन? हम लोगों ने जैसा हम खाना देंगे परोसेंगे वैसा ही ना लोग खाएगा। अगर हम खाना अच्छा परोसने लगे तो लोग वही खाना खाएंगे। मतलब इनका साफ कहना है कि हम इस तरह का माहौल भोजपुरी में हम लोग बनाना चाहते हैं, मगही में बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे माहौल के साथ में लोग जीना सीखें और उसी माहौल, एक बेहतरीन माहौल में लोग डांस भी करें, झूमे भी, गाए भी, इस तरह का इनका मानना है। मैं ये आज पहला एपिसोड था, आज हमारे साथ श्याम शबरिया जी थे जिन्होंने बेबाकी के साथ हर बात को रखा और इन्होंने कहा कि मेरा एक अश्लील गाना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको भी चैनल से उतरवा दूँ और आने वाले भविष्य में मैं इस तरह का गाना तो गाता भी नहीं था ना गाऊंगा, ऐसा इनका मानना है। लेकिन भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उनसे मेरा खासकर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अच्छे गाना गाएं, मगही के जो भी कलाकार हैं, मगध के शान बान जो भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेगा। और एक रिक्वेस्ट और रहेगा चंदन जी, माफी चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं गवर्नमेंट से, अच्छा, और भोजपुरी के सेंसर बोर्ड से की मैं मांग करता हूँ। आजकल यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो करोड़ों स्टार लोग को छोड़ दीजिए ना, करोड़ों ऐसे गायक हैं, फलना लाल, चिलना लाल, मकई लाल, मसूरी लाल, भंटा लाल, ना जाने कितने लाल हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर सही में पूछा जाए गायकी के मामले में तो लाइन है ना कि जकरा बोलोहू के सुर न सहूर का दही। सही सही, तो मैं सेंसर बोर्ड से मैं गुजारिश करूंगा कि बिहार में सेंसर बोर्ड, इनका एक डिमांड भी है बिहार सरकार से कि गाने के लिए एक भोजपुरी के लिए सेंसर बोर्ड बनना बहुत जरूरी है, ले उसके बाद पास हो, एक पास हो, ताकि लोग अच्छे गाने को लोग सुन सके। अब तो कोई क्लेम नहीं होगा, तब तो कोई क्लेम नहीं होगा ना, इस तरह का मुहिम की जरूरत पड़ेगी। और सबसे पहले जिसके पास डिग्री है, कितना उस संगीत से क्या किया है, चार को गाना रिक्शो चलाया वाला जानता है तो गायक हो गया। आप चलिए ना स्टूडियो में, हम आपको गवा देते हैं, आज स्टूडियो वाला के कहा पैसा दीजिए। तो उस वक्त अभी कुछ दिन पहले देवी जी आई थी। अच्छा, उन्होंने बोल रहा था कि जो लोग अपने आप को अश्लीलता का बढ़ावा दे करके ये सोचते हैं कि मैं एक कलाकार हूँ तो वो कलाकार नहीं है।
कलाकारी झलकती है, दिखती है शब्दों में, ये नहीं कि अश्लीलता गा करके आगे बढ़ना। बढ़ने के लिए बहुत सारे, आज भिखारी ठाकुर, गायत्री बाबा, कमल बास, भरत शर्मा जी, क्या उन लोग कलाकार नहीं है? सही सही। एक ये माहौल चाहते हैं कि एक बेहतरीन माहौल हो, बेहतरीन माहौल लाने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से इनका कहना है साफ है कि मगही मगहिया जवान जिस तरह से कर रहे हैं, और हम उनको सपोर्ट करना चाहिए। आइए, हमारा चैनल भी मुहिम के साथ में है और मुहिम के शुरुआत में है। मैं बता दूं कि बिहार में और भी कई चैनल हैं जिनका नाम मैं तहदिल से लेना चाहूंगा, चाहे जनता जंक्शन हो, चाहे मगहिया जवान हो, चाहे आपका मगही बॉयज हो, बहुत सारे लोग हैं जो इस मुहिम के साथ में, चाहे डीटीवी भारत हो, ये खासकर ये भोजपुरी की अश्लीलता के विरोध में खड़े हुए हैं। और इनका समर्थन करना चाहिए, इन चैनलों का समर्थन करना चाहिए, साथ साथ इन लोगों का समर्थन करना चाहिए, जैसे कि मगही के और मगध के रहने वाले लाल गौतम और समर कर रहे हैं। उनकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत तरीके से वो आ रहे हैं भोजपुरी की अश्लीलता के विरोध में। इसलिए आप सब दर्शकों का, आप सब दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि इनका समर्थन करें। और आज जो हमारे बीच श्याम सवरिया जी हैं, उनका भी तहे दिल से समर्थन करेंगे जब ये अच्छे गाना गाएंगे, और जितने भी सिंगर हैं उन अच्छे गाना गाते हैं। तो आइए, कल नए एपिसोड में नए कलाकार के साथ में होंगे। आप देख रहे थे द खबरी बाबू, चंदन भारती के साथ।